नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परस्पर प्रोत्साहन न देना हमारे व्यक्तिगत सामाजिक जीवन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। किसी को प्रोत्साहन बर्दो शब्द कहने का बजाय लोग उसे खड़ी खोटी असफलता की बातें कर निरुत्साहित करते हैं, हिम्मत तोड़ते हैं, जिससे दूसरों को निराशा असंभावनाओं का निर्देश मिलता है और हमारे सामाजिक विकास में गतिरोध पैदा हो जाता है। असंख्य बार यह परीक्षण हो चुके हैं कि दुष्टता किसी के लिए भी लाभदायक सिद्ध नहीं हुई। जिसने भी उसे अपनाया वो घाटे में रहा और वातावरण दूषित बना। अब यह परीक्षण आगे भी चलते रहने से कोई लाभ नहीं। हम अपना जीवन इसी पीछे को पीछने में पढ़ते को परखने में न गवाए तो ही ठीक है। अनीति का अपनाकर सुखी आकांक्षा पूर्ण करना किसी के लिए संभव नहीं हो सकता, तो हमारे लिए ही अनहोनी बात संभव कैसे होगी। इस संसार में अच्छाइयों की कमी नहीं है। श्रेष्ठ और सज्जन व्यक्ति में सर्वत्र भरे पड़े हैं। फिर वह व्यक्ति में कुछ अच्छाई तो होती है। यदि छिद्रावेषण छोड़कर हम गुण अन्वेषण करने का अपना स्वभाव बना ले तो द्रोणा और द्वेष के स्थान हमें प्रसन्नता प्राप्त करने लायक भी बहुत कुछ इस संसार से मिला जाएगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बद्ध जीवन का एक और लक्षण है, यदि उसको संसार से हटाकर किसी अच्छी जगह पर ले जाओ तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा। विष्टा के कीट को विष्टा ही में आनंद मिलता है, इसी से वह रुष्ट पुरुष होता है। उस कीट को अगर आन की हड्डी में रख दो तो वह मर जाएगा। यह माया, यह अहम मैं की तरह है। मैं का एक छोटा सा ही टुकड़ा क्यों न हो, पर उसके कारण सूर्य नहीं दिखा पड़ते। इससे हट जाने से ही सूर्य दिख पड़ते हैं। यदि श्री गुरु की कृपा से एक बार अहम बुद्धि दूर हो जाए तो फिर ईश्वर के दर्शन होते हैं। किसी मेंढक के पास एक रुपया था, वह एक बिल में रखा रहता था। एक हाथी उस बिल को लांघ गया, तब मेंढक बिल से निकलकर बड़े गुस्से में आकर लगा हाथी को लात दिखाया ने और बोले, तुझे इतनी हिम्मत की मुझे लात जाए। रुपये का इतना अहंकार होता है, विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते उसके दर्शन नहीं हो सकते। दिया लाए अगर भिंगी हो तो चाहे जितना रगड़ो वह जलती ही नहीं। विषो दिया लाए व्यर्थ ही की बर्बाद हो जाती है। विषय या युक्त मन भोगी दिया लाई है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जय गुरुदेव।